नमस्कार, ऑरेंज वायर में एक बार फिर से स्वागत है। आज फ्रांस की में लगी आग को देखकर फिर से मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए और मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखने की यहाँ कोशिश किया है और आगे कर रहा। पूरे विश्व को, मानव सभ्यता को फ्रांस में जलती हुई आग एक बड़ी चेतावनी के रूप में दिखाई दे रहा है, खास करके भारत जैसे देश में, जहां की बहुसंख्यक काफिर हिंदू समाज अभी भी, उसका बहुत बड़ा भाग अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है और इस्लाम के प्रति अज्ञानता किसी अफीम की तरह उसको सुलाए हुए है। फ्रांस में आज जो हो रहा है, भारत में किसी भी वक्त उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर घटनाएं घट सकती है। ये वही लोग हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला को इसी तरह से जला के राख कर दिया था, जिस तरह आज फ्रांस की मार्सलिन पब्लिक लाइब्रेरी आग के हवाले कर दिया गया है और धू धू कर जल रहा है। यह मात्र मानवों की संख्या नहीं है, इस आग के पीछे विचारों की वो बीज है, वो वृक्ष है, जो कभी भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में विनाश का एक नया रूप धारण करता है और जहां भी ये बीज होता है वहां अपनी अपनी वैचारिक विनाशक ताकत से उस सभ्यता को, संस्कृति को, समाज को जलाकर राख कर देता है। यूरोप चारों तरफ से अभी इस समय मुश्किल से घिरा हुआ है। ये वही मुश्किल है जो भारत पिछले सदियों से जूझता हुआ आ रहा है और अपने संघर्ष और कुछ प्राकृतिक और सांस्कृतिक मजबूती की वजह से भारत अभी तक पूर्ण संपूर्ण विनाश से बचा हुआ है। वरना विश्व में मिस्र का, सीरिया का, लेबनान का, ईरान का और एक समय पर स्पेन का क्या स्थिति हुआ था, और आज भारत में भी कश्मीर का क्या स्थिति हुआ है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या स्थिति हुआ है और पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बना हुआ है, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं। ये एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, ये एक ही सूत्र, इसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, इसको समग्रता में देखने की आवश्यकता है। और विश्व के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है जो आज भी बनी हुई है और बहुत सदियों पहले भी ये चुनौती मानव सभ्यता के सामने उसी तरह से थी और कई मानव सभ्यताओं को समूल रूप से विनाश कर दिया। और उसका बहुत हाल का उदाहरण है 70-80 के दशक में जो एक देश है लेबनान, उसका कैसे विनाश किया गया इन विचारों से, इन वैचारिक अस्त्र के माध्यम से, जिसे हम जिहाद भी कहते हैं। ये हाल के इतिहास में हमें देखने को मिलता है और इसे देखकर अभी भी बहुत लोग, इससे पीड़ित लोग जीवित हैं। हिरोशिमा में जब एटम बम गिराया गया तो कुछ लाख लोग मरे, 1 लाख 1.5 लाख यही फिगर होगा, लेकिन हर साल संपूर्ण विश्व उस विनाशक अस्त्र के प्रभाव को याद करने के लिए, उस दुख और उस विनाश की को याद करता है और ऐसा फिर विश्व में ना हो उसका संकल्प लेता है। लेकिन केवल बांग्लादेश में पिछले 70-80 वर्षों में, या थोड़ा और उसमें जोड़ लें तो एक शोध करता है वेंकिन,
वो अपनी किताबों में लिखता है जमीनी शोध के आधार पे केवल बांग्लादेश में 4 करोड़ हिंदुओं का कत्ल किया गया है और ये कत्ल दबे पांव धीरे धीरे हो रहा है। इतने धीमी गति से इतने दबे पांव हो रहा है कि कभी कभी मरने वाले को भी पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु हो रही है। यूरोप भी उसी दबे पांव मृत्यु के शिकार हो रहा है और आज वो स्पष्ट तौर पे फ्रांस में लगे आग के रूप में दिख रहा है। ये आग की लपटें फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंची है जो विश्व के कोने कोने से दिखाई दे रहा है इंटरनेट की ताकत की वजह से। यदि इंटरनेट की ताकत ना होती तो शायद ये भी न दिखता और वामपंथियों के मीडिया पे कब्जा होने की वजह से इसमें भी कुछ और कहानियां बन रही होती। निश्चित तौर पर वामपंथी जो इस्लामिक जिहादियों के सहभागी हैं, जिसके साथ मिलके वो इस काम को करते हैं और इसमें बराबर का सहयोग है उसका, पूरे विश्व का, यूरोप का, फ्रांस का, कम्युनिस्ट और नक्सलियों का, वामपंथियों का पूरा पूरा योगदान है इस आग में, निश्चित है मीडिया पे जो कब्जा है उसका पूरे विश्व में, वो नई कहानी पेश करता है आपको जो सरासर झूठी होती है और भ्रम पैदा करने वाली होती है। लेकिन इंटरनेट में जब रियल टाइम में सूचनाएं आती है, वीडियोस आते हैं, तो इन वामपंथियों का वो झूठ, वो फरेब, आम जनता उसके फरेब से नहीं फंसती है। भले ही सरकारी स्तर पे, नैतिक स्तर पे, नीतिगत स्तर पे, एकेडमिक अध्यात्म यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रिसर्च के स्तर पे इन चीज़ों में लोग फंसते होंगे, लेकिन आज इंटरनेट की ताकत की वजह से इस भयावह वैचारिक अस्त्र को लोग अपने घर में महसूस कर रहे हैं। और अभी इस वक्त भारत का हर व्यक्ति यदि उसमें विवेकपूर्ण विवेचना का क्षमता है तो इस वक्त फ्रांस में लगे हुए आग को अपने ड्राइंग हॉल में लगे हुए आग के जैसा ही महसूस कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। जो महसूस नहीं कर रहे हैं वो संवेदनशील हैं और इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। फ्रांस विश्व मानव चेतना के लिए एक बड़ी चेतावनी है और इससे सबक लेकर विश्व के अन्य देशों को इस वैचारिक अस्त्र, विनाशक अस्त्र, जो हजारों एटम बम के अस्त्र से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशक है, इससे लोहा लेने के लिए, इसको पराजित करने के लिए आगे आना होगा, अज्ञानता को दूर करना होगा और ज्ञान की रोशनी में ये जो यो जिहाद का जो वैचारिक अस्त्र है, इससे इसको समझ के, इस पर विवेकपूर्ण विवेचना करके और इसके हल को ढूंढना होगा और इससे सीधी लड़ाई लड़नी होगी। इससे बचने का अब कोई और रास्ता नहीं है। बचने का एक ही रास्ता है कि आप लेबनान बन जाएं या ईरान बन जाएं, आप संपूर्ण समर्पण कर दें, अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ विनाश कर दें और आप भी वही हो जाएं जो वैचारिक अस्त्र की ताकत आपको बनाना चाहती है। इसका एकमात्र हल यही रह जाएगा यदि आप इसकी आंख में आंख डालकर और इसके समाधान को विवेकपूर्ण विवेचना के साथ ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।